जय हिंद साथियों, मैं कमांडो जीवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से आज आपके लिए पेट से संबंधित एक्सरसाइज लेके आया हूँ। क्योंकि एक एथलीट का, सेना की तैयारी करने वाले जवान का जो अच्छी रनिंग करता है, उसके लिए पेट का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज ये वीडियो पेट से संबंधित एक्सरसाइज का है। सिटअप पेट की एक्सरसाइज में सबसे सिंपल एक्सरसाइज सिटअप है। सिटअप करने का तरीका, दोनों हाथ गर्दन के पीछे, क्वाड शेप टाइट करनी है, पांव दोनों मिलाने हैं, पंजा बाहर खींचना है। रेडी आप। पांव जमीन से पैरेलल लेके जाने हैं, वापसी के समय घुटने हैं वो छाती तक लेके जाने हैं। रेडी स्टार्ट। चल कंटिन्यू कर, इस एक्सरसाइज के अंदर सामने देखना, नज़र सामने होगी, बॉडी फट्टे की तरह होगी, एकदम पैरेलल। इस एक्सरसाइज के तीन सेट करने होते हैं, उसमें टाइमिंग आपकी स्ट्रेंथ या स्टेमिना के अनुसार होती है। इस एक्सरसाइज में बाएं हाथ से बायां पांव टच करना है, दाएं हाथ से दायां पांव टच करना है। शरीर कमर से ऊपर का हिस्सा कम से कम 10 डिग्री उठा हुआ होना चाहिए और नज़रें आपकी घुटनों की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में ज़मीन से पांव 6 इंच ऊपर उठाने हैं, पंजा बाहर खींचना है, घुटने की कटोरी टाइट होगी, क्वाड शेप है वो मजबूती से टाइट करना है, हाथ है दोनों गर्दन के पीछे लॉक होंगे। इस एक्सरसाइज को आप तीन फेज में कर सकते हैं। टाइमिंग आपकी स्टेमिना और कैपेसिटी के अनुसार होता है, जितनी अधिक करेंगे उतनी ही आपकी स्टेमिना बढ़ती जाएगी।
दोस्तों इस एक्सरसाइज में गर्दन 10 डिग्री उठी होगी, हाथ दोनों गर्दन के पीछे, अपोजिट घुटना और कोहनी टच करनी है। अप, बायां घुटना दाई कोहनी। इस एक्सरसाइज में जब तक ये एक्सरसाइज करते हो पांव जमीन पर टच नहीं करने हैं, इसको आप 3 फेज में कर सकते हो। दोस्तों इस एक्सरसाइज में पांव आपको 90 डिग्री ऊपर रखने हैं, बिल्कुल सीधे, पंजा है वो आसमान की तरफ, घुटना टाइट, दोनों हाथों से आपको पंजा टच करना है। रेडी अप। इस एक्सरसाइज को आप 3 फेज में कर सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों इस एक्सरसाइज में दोनों हाथ गर्दन के पीछे बंधे होंगे, एक पांव जमीन में टिका होगा, दूसरे पांव से आपको एक पांव 90 डिग्री तक लेके आना है और वापस जमीन से टच नहीं करना है, जमीन से 6 इंच ऊपर से वापस आपको लेके आना है, यही इसी तरह आपको रिपीट करना है। रेडी स्टार्ट। लेग चेंज। एक्सरसाइज चेंज। पांव जमीन में टच नहीं होने चाहिए, दोनों पांव को अप डाउन करना है। एक्सरसाइज चेंज। एक पांव जमीन से टच होगा, दूसरे पांव से आपको रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज से जो रनिंग करने के समय यहां पर दर्द होता है, ये दर्द खत्म हो जाएगा, जो यहां पर गांठे बनती है वो गांठे बननी बंद हो जाएगी। एक्सरसाइज चेंज। एक्सरसाइज चेंज। दोनों पांव को फुल स्ट्रेचिंग करना है, इसमें आपका स्टेप्स है वो भी खुलेगा रनिंग करते समय। एक्सरसाइज चेंज। दोनों पांव को 360 डिग्री घुमाना है और दोनों डायरेक्शन घुमाना, डायरेक्शन चेंज। स्टॉप। दोस्तों इस एक्सरसाइज में जो छात्र सामने खड़ा है उसके पांव पकड़ने हैं और कोहनियां सीधी रखनी है। पांव सीधा होगा, पंजा बाहर की तरफ खींचा होगा और क्वाड शेप टाइट होगी। जो सामने पांव पकड़वा के बंदा खड़ा है वो हाथों से पूरी जोर से पांव को पुश करेगा। एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद में पांव जमीन से टच नहीं होना चाहिए। रेडी अप। यहाँ से धक्का लगेगा, जमीन से पहले आपको पांव होल्ड करने हैं।
देख ले रे तो इस एक्सरसाइज में दोनों पांव ऊपर घुटने फोल्ड और लेग आपस में क्रॉस में हाथ गर्दन के पीछे बंधे होंगे और अप दोस्तों इस एक्सरसाइज में पांवों को धीरे धीरे उठाना है और गर्दन के पीछे टच करना है। ये टाइम आपका कम से कम 30 सेकंड का होना चाहिए। रेडी अप। इस तरह से पांव सीधे होने हैं, गर्दन सीधी रखनी है, हाथों को जमीन से टच रखना है और पांव पीछे टच करने हैं। वापस रिलैक्स स्टार्ट। साथियों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि इन बच्चों की हुई मेहनत और एक्सरसाइज आप तक पहुंचे, आप उनसे लाभान्वित हो ताकि हम और नए नए वीडियो बना पाएं। थैंक यू। जय हिंद।